माय डियर ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, जो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है हमारे पास एक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, यानी हमारे पास एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है फिजिक्स का, वायरलेस ट्रांसमिशन यानी वायरलेस पावर ट्रांसमिशन एक प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है। उसको हमने ऑनलाइन बाय किया है और हमने ये मंगवाया है, ठीक है, ऑनलाइन बाय किया है, इसको मंगवाया हमने और इसको हम ओपन करके देखेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप भी इस तरह का प्रोजेक्ट मंगवाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पे लिंक दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, ये सब हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको पता लग जाएगा इसको बनाया कैसे, हाउ टू मेक दिस प्रोजेक्ट, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा उस लिंक में। और उस लिंक पे क्लिक करते आपको वीडियो ओपन हो जाएगी और वीडियो से आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया। बाकी हमने ये फिलहाल तो अभी जो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं ये हमने बनाया नहीं है, ये हमने बाय किया है ऑनलाइन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और ये कैसे काम करेगा सब कुछ करने वाले। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस करते हैं हम अनबॉक्सिंग वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की। तो हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, उसी की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसके अंदर क्या हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ब्रेक करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो इसमें निकलता है एक आपके पास कागज का टुकड़ा जिसे हम बोलते हैं बिल। तो ये हमारे पास एक बिल है, इस बिल के अंदर इसकी डिटेल दी है, ठीक है, नथिंग, ये हमारे लिए कुछ नहीं है फिलहाल की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बिल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास जो आया हुआ है क्या क्या चीजें आई है इसमें। इसमें हमारे पास खोल के देखते हैं इसको, इसमें एक हमारे पास ये एक कॉपर वायर की कॉइल दी हुई है, इसमें एक एलईडी बल्ब जुड़ा हुआ है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और कॉइल दी हुई है और एक पोलोथीन जिसके अंदर ये सेफ्टी पर्पज के लिए रखा गया। चलिए इसको हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसमें देखो दो कॉइल दी गई है, एक कॉइल ये दी है और एक कॉइल ये दी है, और इसमें ये एक बैटरी का कनेक्टर दिया हुआ है इस तरह का बैटरी जोड़ने के लिए। यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं, एक यहाँ पे ब्लैक कलर का ये दिखाई दे रहा है और एक ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में मैं आपको लास्ट जो लास्ट या ये कह सकते हैं हमारे पास जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना तो वहां पे एक लिंक दिया होगा, वहां पे आपको मैं इनके बारे में डिस्कस कर दूंगा कि ये क्या है ये क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे बनाया, पूरा वीडियो बनाएंगे कि कैसे बना और कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम बैटरी लेंगे, ये एक बैटरी इसके साथ आई है, ये एक बैटरी भी इसके साथ आई है और हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ये देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, आप सोच रहे हैं कुछ नहीं हुआ, चलिए देखते हैं क्या होता है इसके। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने और अब हम इसके पास में ये लेके आते हैं। वाह क्या बात है गाइस, ये देखिए आप माय डियर ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। जैसे ही मैं इस कॉइल को इसके पास में लाता हूँ तो आपका जो एलईडी बल्ब है वो देखो जलने लगता है, आप दिख रहा है, देखो जल रहा है, जैसे हम पास में लाते हैं इसके पास ये जलता है, देखिए। इसीलिए इसको बोलते हैं वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दो कॉइल के बीच में एयर गैप, इन दो कॉइल के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी तरह की वायर कनेक्टिविटी नहीं है, इनके बीच में एयर गैप है और देखिए फिर भी ये जल रहा है, देखो पास लाने पर जल रहा है, दूर जाने पर नहीं जल रहा है, पास लाएंगे तो ये जलने लग जाए, देखिए जल जाएगा, जितना पास लाएंगे ग्लो ज्यादा करेगा। तो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप साइंस एग्जीबिशन में ऐसा प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे बना सकते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट को मंगवाने के लिए ना आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है आपके पास, उस लिंक से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने अनबॉक्सिंग किया कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या सामान आएगा और ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।